बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। और आज मैं हूं इम्पोरियम मॉल में और यहां मैं आपको दिखाने वाली हूं इनग्लॉट मेकअप जो कि निशात ने लॉन्च किया है और इस पे है 30% ऑफ। तो यहां जो है मैं आपको दिखाऊंगी इनग्लॉट जो है वो मेकअप, इसकी जो है वो प्रोडक्ट कैसी है। सो मैं यहाँ इम्पोरियम मॉल में आई हूँ इसको विजिट करने, जहां जहां निशात के आउटलेट है वहां आपको जो है वो इनग्लॉट जो है की प्रोडक्ट जो है वो आपको इजिली अवेलेबल होंगी। जो पाकिस्तान में आपको ये जो है कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, मीरपुर खास में और रहीमिया खान में रिसेंटली ये लॉन्च हुआ है, तो आप वहां से जाकर इसकी प्रोडक्ट्स जो देख सकते हैं और जो है वो इसको बाय भी कर सकते हैं। तो यहाँ जो है मैं इम्पोरियम मॉल में हूँ और यहाँ जो है मैंने देखा इनकी जो है वो प्रोडक्ट्स में काफ़ी आपको जो है वो ह्यूज वैरायटी मिल जाती है, मेकअप प्रोडक्ट्स की, इल्यूमिनेटर की, ब्रशेज की, तो प्रेस पाउडर्स हैं, आपको सब कुछ नज़र आ रहा होगा। तो इन सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल आपको वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आपकी जो है वो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगा कि इसकी जो है वो प्रोडक्ट्स कैसी हैं। सो व्यूअर्स, आप सबको पता होगा कि आई एम अ मेकअप लवर, तो मुझे जो है वो मेकअप में सबसे ज़्यादा फाउंडेशन पसंद है, तो मैं जो है वो डिफरेंट ब्रांड की फाउंडेशन ट्राई करती रहती हूँ, इसीलिए सबसे पहले मैंने यहाँ फाउंडेशन ट्राई की। तो यहाँ जो है वो फाउंडेशन आपको 3 to 4 कैटेगरी की फाउंडेशन मिल जाती है। तो जो फर्स्ट मैंने ट्राई की फाउंडेशन वो थी क्रीमी फाउंडेशन, तो उसके जो है वो स्वेचेस भी मैं आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको कंसिस्टेंसी का पता चल जाए कि वो ये जो फाउंडेशन है किस तरह की फाउंडेशन है। सो ये आपको नजर आ रहा होगा, ये जो फाउंडेशन है ये क्रीमी फाउंडेशन है जो मैंने अपने हैंड पे अप्लाई की हुई है और ये जो है काफ़ी अच्छी है, लाइट वेट है। तो जो लोग चाहते हैं कि नो मेकअप मेकअप लुक चाहते हैं, नेचुरल जो है वो लुक चाह रहे होते हैं मेकअप में कि उनके फेस पे पता ही ना चले कि उन्होंने कुछ लगाया हुआ है, तो वो जो है वो इसको ट्राई कर सकते हैं। बहुत हेल्दी रखते हैं, आपकी स्किन को बहुत ग्लोई सी लुक आती है और 2800 है क्रीमी फाउंडेशन की प्राइस। दूसरे इन्होंने उसके बाद मुझे इन्होंने दो फाउंडेशंस दिखाई, जो एक फुल कवरेज फाउंडेशन थी और इसके बाद जो है वो इनकी लाइट वेट फाउंडेशन काफ़ी अच्छी लगी मुझे। जो फुल कवरेज फाउंडेशन थी वो काफ़ी पिगमेंटेड थी। ये आपको मैं क्रीमी जो है वो फाउंडेशन के स्वेचेस दिखाती हूँ, तो ये तो बहुत जल्दी से ब्लेंड हो जाती है आपके फेस में और ये जो फुल कवरेज फाउंडेशन है इसमें जो है वो काफ़ी पिगमेंट है, काफ़ी लाइक थोड़ी सी थिक है, जो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड होती है वो काफ़ी थिक होती है। उसके बाद आपको जो है वो ह्यूज वैरायटी मिल जाती है हाइलाइटर्स की, तो हाइलाइटर्स की शेड्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट शेड्स हैं हाइलाइटर के, तो आपको जो है इसमें काफ़ी वैरायटी मिल जाती है ब्लशर्स की, लूज कलर पाउडर की, जो डिफरेंट आप जिस तरह लूज पाउडर, एक तो प्लेन लूज पाउडर होता है, बहुत सारे लोग जो है वो कलर में अगर चाह रहे हैं तो वो आपको यहाँ से मिल जाएगा लूज पाउडर, इसके साथ ही साथ आपको जो है वो शिमरी लूज पाउडर भी मिल जाते हैं। तो इसमें जो है डिफरेंट कलर्स हैं, सिंथेटिक फाइबर ब्रशेज जो हैं वो काफ़ी इनके पास अच्छे हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। इसके अलावा जो है वो आप सेपरेट जो है वो पैलेट ले सकते हैं इनसे, जिसमें आप जो है वो अपनी पसंद के जो जो आप प्रोडक्ट्स चाहती हैं तो उसमें जो है वो एडजस्ट करवा सकती हैं और उसके ही अकॉर्डिंग जो है वो प्राइस होगी। इसके साथ साथ इनकी HD फाउंडेशन और इनके मल्टी एक्शन टोनर्स भी जो हैं वो काफ़ी फेमस हैं। तो टोनर्स जो हैं वो जो हम फेस को वॉश करने के बाद अप्लाई करते हैं ताकि हमारी स्किन का जो pH लेवल है वो बैलेंस रहे। HD फाउंडेशंस हैं जो कि ऑयली स्किन गर्ल्स जो हैं जिनको लाइक प्रॉब्लम है ऑयल का और सीबम का वो लगा सकती हैं। स्वेचेस आपके सामने हैं, इसमें 38 शेड्स अवेलेबल हैं और आपको नजर आ रहा होगा इसमें जो है लूज पाउडर है, शिमरी पाउडर है और आई शेडोज। ओ माई गॉड, आई शेडोज की बहुत लाइक रेंज थी और जो शिमरी आई शेडोज हैं वो मुझे काफ़ी पसंद आई, क्योंकि जैसे आजकल वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैं कहूँगी जो है वो आप जो है वो इनके आई शेडोज जरूर ट्राई करें और इनके आई शेडोज काफ़ी पिगमेंटेड हैं, बहुत अच्छा इसका टेक्स्चर, बहुत स्मूथ सी और बहुत लॉन्ग लास्टिंग लाइक आपकी आईज पे स्टे करती हैं। उसके बाद जो है वो इन्होंने साथ ब्रशेस भी दिए हुए हैं कि आप जो है वो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं आई शेडोज, तो वो आपको ये गाइड भी कर देंगे
कि आपको जो है वो कौन से ब्रशेस चाहिए। उसके बाद आ जाती हैं भाई लिपस्टिक्स। लिपस्टिक्स में इनकी काफ़ी सारी वैरायटी थी और स्वेचेस भी साथ साथ इन्होंने रखे हुए थे ताकि आपको जो है वो शेड्स का पता चल जाए। इनके जो क्रीमी जो इनके लिप ग्लॉस थे तो वो काफ़ी अच्छे थे। क्रीमी लिप ग्लॉस जो है वो इनकी ड्यूरेशन जो है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये है कि आपके लिप्स को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इनकी जो यहाँ है इनकी ब्रिथेबल नेल पेंट, तो ये जो है वो एयर और वाटर को पास होने देते हैं। तो आप जो है वो इसको अप्लाई करके जो ये कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज़ में काफ़ी फेमस है, क्योंकि वो कहते हैं कि आप इसे जो है वो वजू कर सकते हैं, नमाज हो सकती है, क्योंकि इसमें से एयर वाटर इजीली पास हो जाता है। तो इसमें काफ़ी रेंज है और मुस्लिम कंट्रीज़ में जो है ये काफ़ी फेमस है इंग्लॉट के जो हैं ब्रिथेबल जो नेल एनिमल है। उसके बाद जो है जो कि ऑयली स्किन गर्ल्स की फेवरेट प्रोडक्ट एएमसी ब्रेस्ट पाउडर। ब्रेस्ट पाउडर्स जो है वो उसमें काफ़ी रेंज है। ब्रेस्ट पाउडर का फंक्शन क्या होता है कि जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर लें और फिर भी जो है आप मैट फाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी आपके जो है पोर्स बंद नहीं हो रहे और जो है वो आपको सीबम का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप जो है वो ये अप्लाई करें ब्रेस्ट पाउडर्स। तो प्रेस पाउडर्स काफ़ी आपको वैरायटी मिल जाती है, इसमें काफ़ी रेंज है कलर्स में, तो आप जो है वो उसको अप्लाई कर सकते हैं अपनी फाउंडेशन लगाने के बाद। और इसमें जो है अवेलेबल हैं डिफरेंट शेड्स आई शेडो के और ब्लशर्स के, तो ये जो है वो मल्टीपर्पज़ हैं। लाइक आप इसको एज अ क्रीम ब्लश भी यूज़ कर सकते हैं और आई शेडोज और लिप कलर के तौर पे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ हाइलाइटर्स हैं, सेपरेट हाइलाइटर्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके अलावा आप जो है इसको पैलेट में भी जो मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पैलेट बनवा सकते हो और उसमें जो है वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग शेड्स भी एडजस्ट करवा सकते हैं। कॉन्टूर में भी काफ़ी इनकी शेड्स हैं। ब्राउ पाउडर्स इनको के काफ़ी अच्छे हैं, आप लाइक अपनी हेयर कलर के अकॉर्डिंग जो है ब्राउ पाउडर सेलेक्ट कर सकते हैं। लैशेस पे 20% ऑफ है और इनमें जो है वो 1800 से 3000 तक जो है वो आपको मिल जाती हैं। डिफरेंट कलर्स हैं और डिफरेंट लाइक आप अपनी आई की शेप के अकॉर्डिंग और अपनी जो है वो आपको कैसी थिकनेस चाहिए, आपको जो है वो ज़्यादा वॉल्यूम चाहिए नहीं चाहिए, और सेपरेट भी हैं जो आप अपनी जिनकी आई लैशेज में कुछ एरियाज हैं जहाँ बहुत कम होती हैं तो आप सेपरेटली वहाँ जो है वो लगा सकते हैं एडहेसिव्स के साथ जो यहाँ ईजिली अवेलेबल हैं। तो यहाँ जो है वो आपको आईलाइनर जो जेल आईलाइनर्स हैं इनके उसमें भी काफ़ी रेंज आपको मिल जाती है, और इनकी जो है वो शिमरी आईलाइनर्स भी हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनके शिमरी आईलाइनर्स। उसके बाद जो है वो इनके काफ़ी इनके पास रेंज थी मस्कारास की, और मस्कारास के डिफरेंट ब्रशेस थे और डिफरेंट कलर्स भी, तो डिफरेंट जो मस्कारास हैं उनके डिफरेंट ब्रशेस हैं तो उनकी एप्लीकेशन भी डिफरेंट और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो इनमें जो भी एक नेचुरल लुक वाला है, एक वॉल्यूम देने वाला, जो मतलब आपकी जैसे आपने आर्टिफिशियल आपने लगाई हुई हो आईलैशेस वैसी लुक देता है, तो आप प्लीज जो है वो इनके मस्कारा जरूर ट्राई करें। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको गाइड किया, इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट इंग्लॉट जो ब्रांड है उसकी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ आई शेडोज की काफ़ी अच्छी वैरायटी है, तो प्लीज़ जो है वो आप ये विजिट करें और देखें। तो ये एल्यूमिनेटर्स हैं, बॉडी एल्यूमिनेटर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट रेंज है इसमें कलर्स हैं, इसको आप फाउंडेशन में मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं उसकी फाउंडेशन काफ़ी शाइन कर रही थी, तो वो जो है एल्यूमिनेटर मिक्स करने के बाद ही ऐसी शाइन आती है आपके फेस के ऊपर। तो ये जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, तो आप इसको जो है वो बाय कर सकते हैं, और सेपरेटली भी जो है वो आप अपने फीचर्स को एनहेंस करने के लिए लाइक अपनी नोज़